नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हर माह के दोनों पक्षों में आने वाली एकादशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी को समर्पित है। इस दिन भोलेनाथ जी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। मार्ग महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी 30 जनवरी रविवार के दिन पड़ रही है। इस दिन भगवान शिव जी को समर्पित व्रत रखा जाएगा। रविवार के दिन होने के कारण ये रविवार प्रदोष व्रत कहलाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार रवि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस दिन व्रत करने से व्यक्ति दीर्घ आयु और प्रसन्नचित रहता है। साथ ही इस दिन भक्तों को भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती जी की भी श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि ये चीजें करने से भगवान जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रवि प्रदोष व्रत पूजन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और आप उस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए जानते हैं। नंबर एक, प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त। दोस्तों, मार्ग महीने में कृष्ण पक्ष 29 जनवरी रात्रि 8:47 पर शुरू होगी और 30 जनवरी दोपहर 5:28 पर समाप्त होगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त संध्या काल में 5:60 से शुरू होकर रात्रि 8:47 तक रहेगा। वैसे कहते हैं कि प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए, क्योंकि इस समय भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। नंबर दो, प्रदोष व्रत पूजा विधि। दोस्तों, 30 जनवरी रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शिव जी का सिमरन करें और उन्हें प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें। दोस्तों, स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करें। दोस्तों, पूजा करते समय फल, फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती, भांग, धतूरा, दूध, दही और पंचामृत से आदि उनकी पूजा करें। दोस्तों, उसके बाद भगवान शिव जी की आरती करके भोलेनाथ और माता पार्वती को अन्न, जल और धन की कामना जरूर करें। दिन भर आप उपवास जरूर रखें। शाम को स्नान आदि के बाद आप पूजा आरती करें, इसके बाद फलाहार ग्रहण करें। अगले दिन पूजा पाठ करने के बाद ही अपने व्रत को खोलें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।